मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, अबू दाऊद और इसके अलावा दीगर बहुत सारी हदीसों के मजमूए पर मुश्तमिल 16,000 हदीसें अगर रोजाना 100 सफा पढ़ें तो कितने दिनों में पढ़े गए? 48 दिनों में। अब मुझे आप इतना बता दें, 48 दिनों में अगर आप सिहाए सित्ता का खुलासा पढ़ लेते हैं, 48 दिनों में अगर सिहाए सित्ता के अलावा 10-12 किताबों का खुलासा पढ़ लेते हैं, 48 दिनों के अंदर अगर आप 16,000 हदीसें समझ के पढ़ लेते हैं तो मुताला करना है क्या? मुताला करना है क्या? अब आपकी छुट्टियां होती हैं, सालाना छुट्टियां जो होती हैं पेपरों के बाद, ये छुट्टियां 50-60 तकरीबन इसके बैन बैन होती हैं। अगर आप छुट्टियों में कुछ ना करें और कुछ ना करें, ना सर पढ़े, ना पढ़े, ना मंतिक पढ़े, ना फलसफा, ना बलागत, ना कोई और काम, बस जो अपने जरूरी जरूरी काम है वो, और 3 से 4 घंटे मुताला करें, 4 घंटे लगा लें आप, 4 घंटे अगर मुताला करें और सिर्फ एक छुट्टियों के अंदर, एक साल की छुट्टियों के अंदर आप 16,000 हदीसें पढ़ लें और इल्मे हदीस पे आपको अच्छी दस्तरस हासिल हो जाए तो आपको और क्या चाहिए? है कोई इस्लामी भाई? है कोई इस्लामी भाई कि जो इस साल की छुट्टियों में मिरातुल मनाजी पढ़ के 16,000 हदीसों का फहम हासिल करेगा? तो ये एक साल का मैंने आपको अर्ज किया है, एक साल आप लगा लें वो जो मैंने पहली चीजें अर्ज की थी उनके ऊपर, एक साल में आप मिरातुल मनाजी पढ़ लें, फन्ने हदीस के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मिरात के अंदर जो है वो हर हदीस के शुरू में वो रावी के ऊपर भी कलाम है, वो है अस्माउर रिजाल, वो इल्मे अस्माउर रिजाल, हदीस सही है, हसन है, ज़ईफ है, इस पर भी बहुत सारा कलाम है। ये हो गया इल्मे फन्ने हदीस। उसके बाद उसकी शरह है तो यह है मुहद्दिसीन का काम, और जो आपने हदीसें पढ़ी ये है आपका ईमान कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़े। और फिर जब आप मिरात पढ़ेंगे, आप अगर एक मिरात पढ़ लेना, मैं आपको एक और इसका फायदा अर्ज करूं, आप मिरात को इस नजर से पढ़ लें कि मैंने इसे बयाना तैयार करना है। 16,000 हदीसों से आप कितने बयान तैयार कर सकते हैं? 16,000 हदीसों से आप कितने बयान तैयार कर सकते हैं? मेरे ख्याल में एक मरतबा तैयार कर लेना तो दोबारा पूरी जिंदगी में बयान तैयार करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। 16,000 हदीसें कम होती, एक बयान आपका हो 40 हदीसों पर, 16,000 हदीसें, एक बयान हो आपका 40 हदीसों पर, तो कितने बयान बनेंगे? 400 बयान, ठीक है, 400 बयान। और एक हफ्ते में एक बयान करें तो कितने हफ्ते आपका बयान चलेगा? 400 हफ्ते। और साल के अंदर होते हैं 52 हफ्ते, एक साल के अंदर 52 हफ्ते, और आपकी तैयारी है 400 हफ्तों की, तो आपने 8 सालों के बयाना तैयार कर लिए, 8 सालों से। तो ये, और ये कितनी देर में हुआ? 2 महीने में, ये 2 महीने की छुट्टियों में हुआ। तो ये है अपने वक्त को इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना, अपने वक्त को इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना। तो हदीस के अंदर आपको माहिर बनना ये कोई मुश्किल नहीं। 2 महीने के अंदर आप कहां से कहां पहुंच गए? 2 महीने पहले अगर आपने एक हदीस नहीं पढ़ी थी और 2 महीने के बाद आपने 16,000 हदीसें पढ़ ली तो आपका तो मर्तबा ही ऊपर चला गया। 16,000 हदीसों वाला और वो समझ के पढ़ने वाला तो वो तो जो है वो मुहद्दिसीन की किसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा कि ये तो इस मर्तबे का जो है वो शख्स है, इस मर्तबे का आदमी है। और अगर आपने 2 की जगह 4 महीने पढ़ा तो 16,000 हदीसें और मिला लें आप, 16,000 हदीसें और मिला लें। बुखारी की मिसाल के तौर पे कोई शरह है, अब बुखारी की शरह पढ़ ली तो बुखारी के अंदर 9,000 के करीब हदीसें, अब 9,000 के करीब जो हदीसें हैं आपने शरह के साथ पढ़ी तो डबल कर लें, शरह में एक हदीस की शरह में एक हदीस तो आएगी ना, तो ये 18,000 हदीसें होगी, 7,000 हदीसें तो 14,000 लगा लें आप। और अगर एक हदीस की शरह में दो हदीसें आती हैं तो 21,000 हदीसें, और 9,000 के एतबार से 27,000 हदीसें। तो ये यानी 2 साल के अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर आप 30,000 से ज्यादा हदीसें पढ़ सकते हैं।
चार महीने के अंदर। अब चार महीने, अब आठ साल के अंदर भी अगर आप इतना ना पढ़ें, जो काम आप चार महीने में कर सकते हैं अगर आठ साल के अंदर भी ना करें, तो इसका मतलब है कि आपने दरस निजामे का हक अदा नहीं किया, आपने इल्म दीन हासिल करने का हक अदा नहीं किया। तो ये है फन हदीस के ऊपर। अब आइए, बल्कि ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया है ये फिक के अंदर बयान करूंगा, तो असल में आपकी किताबों का तारुफ कम है, तो वरना उसमें मैं फतावा शामी के ऊपर अगर मैं यही उसूल अप्लाई करके दिखाऊं तो अक्ल दंग रह जाएगी। एक साल के अंदर पूरा फतावा शामी आदमी पढ़ सकता है, और फतावा शामी पढ़ लिया तो आप समझे सब पढ़ लिया, फतावा शामी पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया, और आप एक साल मेहनत कर लें फतावा शामी पूरा पढ़ लेंगे आप, तो फिक में पीछे बाकी क्या रहा। और बाहरी शरीयत तो वैसे तीन महीने का काम है, बाहरी शरीयत तो तीन महीने का काम है, वो तो छोटे छोटे हिस्से हैं, 70 सफ़े का हिस्सा, 80 सफ़े का हिस्सा, 90 सफ़े का हिस्सा है, और 20 उसके हिस्से ले दे, 20 हिस्से और 100 सफ़ा जो है वो एक हिस्से का लगा ले, 2000 सफ़े बन जाएंगे आपके। 2000 सफ़े तो पढ़ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो आपने 4800 सफ़े कितने दिन में पढ़े, 48 दिन के अंदर, तो ये 2000 सफ़े ये भी 48 दिन में लगाने आप, कि ये फिक क्या, चलो समझ के पढ़ना पड़ता है। 48 से भी आप डबल कर ले, 50 से डबल कर ले, कितने हुए 100, साढ़े तीन महीने के अंदर अगर पूरी बहारे शरीयत आप पढ़ लेते हैं तो फिके हनफी आप फिके हनफी में पीछे बाकी क्या रह गया आपको, आप तो फिक में वहां पहुंच गए कि जहां बड़े बड़े ना पहुंचेंगे। बहारे शरीयत अगर आपने पूरी पढ़ी हुई है तो कौन सा मसला है जो आपको याद नहीं होगा, कौन सा मसला है जो आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, तो ये फिक के अंदर, ये दूसरा मैंने हदीस के अंदर अर्ज किया। अब आ जाए तीसरा तफसीर की तरफ। तफसीर ना आई तो आप समझेंगे आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि कुरान ही नहीं आया आपको। हमारी हर शय में पहली बुनियाद, हमारे इल्मे हदीस में पहली बुनियाद कुरान, के हदीस कुरान की शरह, हमारी फिक के अंदर पहली बुनियाद कुरान, के फिक जो है वो कुरान ही से जो है वो अखज़ की जाती है, हमारे इल्मुल अकायद के अंदर पहली बुनियाद कुरान, के अकायद कुरान से हासिल किए जाते हैं। अगर कुरान पाक आठ साल में आप बगैर तर्जमे के नहीं पढ़ सकते तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, और आप में हैं कितने जिनको आता है। कुरान पाक बगैर तर्जमे के आपके सामने रख दिया जाए और कहीं से खोल के पूछा जाए, आप बगैर तर्जमा देखे फौरी तौर पे तर्जमा भी सुना दें और यह भी बता दें कि इसका मफहूम क्या है, तर्जमा भी बता दें और यह भी बता दें कि इसका मफहूम क्या है, इसमें आप में से कितने माहिर हैं। हाथ नहीं उठवाता, क्यों उठेंगे नहीं, तो हाथ नहीं उठवाता, लेकिन अपनी हालत पे आप गौर कर लें कि आप में कितने ऐसे, अपने अपने ऊपर गौर करें कि हम क्या, मेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि मेरे सामने कुरान पाक रखा जाए और मैं बगैर तर्जमा देखे तर्जमा कर सकूं, बगैर तर्जमा देखे मैं उसका मफहूम बयान कर सकूं, इसकी सलाहियत है। अगर नहीं है तो फिर आप सोच ले कि आपने आठ साल के अंदर क्या पढ़ा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने कुरान पाक ना आया हमें। अब कुरान पाक पढ़ना है आसान कितना, ये मैं आपको अर्ज करता हूं। कुरान पाक समझने के लिए आप सबसे बुनियादी चीज ले लें नूरुल इरफान। ये हमारे पास एक बिल्कुल आम सी जो हमारे यहां पाई जाती है, जो हमारे मदनी इनामात के अंदर भी है, जिसका पढ़ना खजाइनुल इरफान और नूरुल इरफान। नूरुल इरफान जो छपा हुआ है ना, इसके सफात हैं 1000, ठीक है, कितने सफात हुए 1000। ये जो 1000 सफात हैं ये कुरान समेत है, आधा कुरान पाक होता है और आधी तफसीर होती है, आधा कुरान पाक और आधी तफसीर और कुछ हिस्सा तर्जमे का, ठीक है। आप ये कर लें कि 50% है कुरान पाक और 15% है तर्जमा, तो कितना हिस्सा निकल गया, 65% निकल गया, बाकी रह गया 35%। 1000 है टोटल सफात, 1000 के 35% सफात कितने बने, 350, तकरीबन 350, ठीक, 350 सफहात पढ़ने में आपको कितने साल चाहिए, 350 सफहात पढ़ने में आपको कितने साल चाहिए, एक साल में एक सफा पढ़े तो 365 साल चाहिए, ठीक, एक दिन में एक सफा पढ़े, एक दिन में एक सफा
तो कितने दिनों में पूरा कुरान हो गया? 350। एक दिन में 5 सफे पढ़े 70 दिन, 350 सफा। एक दिन में 5 सफे पढ़े तो 70 दिन में आप पूरा कुरान पाक तफसीर आप पढ़ लेंगे। और अगर 10 सफे पढ़े, रोजाना 10 सफे पढ़े, पूरी नूरुल इरफान कितने दिन में होगी? अब 35 दिन के अंदर जो पूरी तफसीर आप पढ़ सकते हैं वो 8 साल में ना पढ़े, जो 35 दिन के अंदर पढ़ी जा सके।